ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। विपक्ष दलों के दुष्प्रचार से डरी दिल्ली बीजेपी नोटबंदी पर जनता को जागरूक करने निकली है। इस बार देश ने भी ठान ली थी काले धन के खिलाफ जमकर लड़ना है। हमने अर्जुन की तरह लक्ष्य साधा और छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा किया। आखिरकार काला पैसा निकला, जेबों से निकला, अलमारियों से, ड्रॉरों से निकला, पलंग के नीचे से निकला, दीवार के पीछे से निकला, इस तरह कोने कोने चप्पे चप्पे से काला धन निकला। कहीं जनजागरण रैली कर रही है तो कहीं विचार गोष्ठी कर लोगों की शंकाओं और सवालों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विचार गोष्ठी में स्थायी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ 8 स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस विचार गोष्ठी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण लोगों के सवाल और शंकाओं का जवाब देने के लिए खुद मौजूद थे। 14 जिलों में आज इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल हम जानते हैं, कल जो काला दिवस विरोध दिवस के रूप में, काला धन विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, एक वर्ष हुआ है विमुद्रीकरण को, उसके बारे में जनता तक सही तरीके से सब बात पहुंचे और आप लोगों के मन में आने वाले समय में किस तरह से आगे ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की और हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो मुहिम है वो आगे कैसे चलेगी और कैसे अभी तक का प्रभाव क्या हुआ और उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, ये आप सबके सामने रखना बहुत आवश्यक है। बीजेपी नोटबंदी को प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रही है और इसके फायदे गिना रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष नीलदमन खत्री ने कहा कि ये फैसला भ्रष्टाचार और काले धन पर चोट है और देश की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर है। नीलदमन ने नोटबंदी का विरोध करने वाले लोगों को काला धन वाला बताया। जो नोटबंदी या नोट बदली के बाद इस देश की जनता को क्या क्या लाभ मिले, कांग्रेस ने कल तो काला दिन उन्होंने मनाया, निश्चित रूप से वो उनके लिए उपयोगी है, मेरा मानना है, क्योंकि अवश्य उनके लिए वो काला दिन है, क्योंकि उनका तो धर गया, उन्होंने जो ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी थी। मैं सोच रहा था रात को 12-1 बजे तक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक व्हाट्सएप आया 101 फायदे नोटबंदी से, 101 फायदे। मैं कोशिश करूंगा आज रात को 11-12 बजे तक, लास्ट 10-11 बजे में शुरू करके, और मेरे पास लगभग 20,000 लोग तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको वो भेजूंगा। आप सबसे आग्रह है कि उसको आगे फॉरवर्ड करें, जो चीज इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है लगभग वो सारी की सारी चीजें उस व्हाट्सएप पर है, 101 फायदे। गौरतलब है कि नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो बीजेपी विपक्ष के आरोपों का जवाब ऐसे ही आयोजनों से कर जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रही है। पक्ष और विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नोटबंदी पर जनता को कौन अपने पक्ष में कर पाता है, बीजेपी या फिर उसके विरोधी दल। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।